अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे सीज़न स्पेशल कैरी मूंगे की फली गोश्त का सालन। आइए देखते हैं सीज़न स्पेशल कैरी मूंगे की फली गोश्त का सालन बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और इसे कैसे बनाते हैं, देखते हैं। उसके लिए हमें चाहिए गोश्त। देखिए, हमने 250 ग्राम गोश्त लिया है हड्डी के साथ। इसे अच्छे से वॉश कर लिया है चार पानी से। और हमने लिया है मूंगे की फली 3, एक कैरी, 4 टमाटे हैं उसे हमने कट कर लिया है, 3 आलू है इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और छिलके के साथ कट कर लिया है पीसेस में। और हमने लिया है 2 बड़ी प्याज, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून भुने हुआ खोपरा पाउडर। हरे मसाले में हमने लिया है 4 हरी मिर्च, थोड़ी सी कोथमीर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 3 टेबलस्पून तेल। देखिए, अब हम मूंगे की फली को इस तरीके से छील लेंगे। देखिए, इस तरीके से छील लीजिए मूंगे की फली को। देखिए, छील लिए, इस तरीके से कट कर लेंगे। देखिए, इसके पीसेस इतने इतने बना लेंगे। अब हम इसी तरीके से दूसरी मूंगे की फली भी छील लेंगे। देखिए, इस तरीके से कट कर लेंगे। देखिए, मूंगे की फली कट कर लिए। अब हम एक बोल लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। अब हम इसमें ऐड करेंगे मूंगे की फली जो हमने कट कर ली थी। अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए, हमने भगोने को चूल्हे पर रख लिया है। अब हम मूंगे की फली को 5 मिनट पकाएंगे। इसे हम 50% कुक करेंगे। बिना ढक्कन ढके पकाइए। देखिए, अब हम कैरी कट कर लेंगे इस तरीके से। अब हम कैरी का छिलका निकाल लेंगे। देखिए, अब हम कैरी को इस तरीके से पीसेस में कट कर लेंगे। देखिए, हमने 1/2 कैरी कट कर लिए और 1/2 कैरी खट्टा देख के बाद में डालेंगे। देखिए, हमने चूल्हे पर कुकर रख लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल। देखिए, तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम हाई फ्लेम पे प्याज का कच्चापन गए तक पका लेंगे। देखिए, हाई फ्लेम पे 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, मूंगे की फली 50% पक गई है और 50% अब हम सालन में पका लेंगे। हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे अब हम साइड पे रख लेंगे। देखिए, हाई फ्लेम पे प्याज का कच्चापन चले गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, नमक, प्याज में अदरक लहसुन को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, अदरक लहसुन अच्छे से भुने गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त।
से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अभी हाई फ्लेम पे 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। देखिए हाई फ्लेम पे 2 मिनट हो गए, गोश्त अच्छे से भुने गया प्याज में। अब हम इसमें ऐड करेंगे, फ्लेम सिम करे बाद ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटे। फ्लेम हाई करे बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे कायरी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी कायरी और गोश्त गलने के लिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम लगाएंगे कुकर का ढक्कन। हाई फ्लेम पे 5 सीटी लगाएंगे, सिम पे 3 सीटी लगाएंगे गोश्त और कैरी गलने के लिए। देखिए हाई फ्लेम पे 5 सीटी हो गए, सिम पे 3 सीटी हो गई। ये देखिए गोश्त और कैरी अच्छे से गल गई है। गोश्त कैरी और टमाटर गल गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी डाले बाद। अब हम लगाएंगे कुकर का ढक्कन आलू गलने के लिए। हाई फ्लेम पे 3 सीटी लगाएंगे। देखिए हाई फ्लेम पे 3 सीटी हो गए हैं। ये देखिए आलू अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे खोपरा पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हाई फ्लेम पे 2 मिनट पका लेंगे। देखिए हाई फ्लेम पे 2 मिनट हो गए, खोपरा अच्छे से पक गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे मूंगे की फली जो हमने 50% पका ली है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हाई फ्लेम पे मूंगे की फली मसाले में 5 मिनट पका लेंगे। देखिए हाई फ्लेम पे 5 मिनट हो गए। ये देखिए मूंगे की फली अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कैरी। जो हमने आधी कैरी रख ली थी वो पीसेस ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर पका लेंगे। ये देखिए थोड़ी देर पका लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप पानी लिक्विड करने के लिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए सालन की कंसिस्टेंसी इतनी रहनी चाहिए। ये देखिए अगर आपको गाढ़ा रखना है तो पानी कम कर लीजिए। हाई फ्लेम पे उबाल आए तक पका लेंगे। देखिए हाई फ्लेम पे उबाल आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा मसाला। हरी मिर्च ऐड कर लेंगे और कोथमीर ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम हाई फ्लेम पे 1 मिनट पका लेंगे। देखिए हाई फ्लेम पे 1 मिनट हो गए हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। सीजन स्पेशल कायरी मूंगे की फली गोश्त का सालन डिश आउट करने के लिए रेडी है। सीजन स्पेशल कायरी मूंगे की फली गोश्त का सालन डिश आउट हो चुका है। ये देखिए बहुत ही मजेदार बना है। आप एक बार जरूर ट्राई करें। इसे आप व्हाइट राइस के साथ खा सकते हैं। देखिए बहुत आसान तरीका है, इस सीजन में जरूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।